Hello students, and we are back again, and in this video we are going to study your class 9th chapter number 8, the goal not scores question answer. In the last video we have studied the chapter, and now it's time for the question answers of this chapter. So let's start the video and let's start the question answers of this chapter. Our first question is, answer each of the following question in about 25 words. Hame 25 words aur uske aas paas क्या देना है, क्वेश्चनों के आंसर्स देना है. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ विनिंग द मैच ऑफ टायर ब्लूज. है ना, जो ब्लू कलर की टीम थी, उसका जो स्कूल टीम थी ब्लू कलर की, उसका उस मैच में जीतना जो रेड के साथ उनका हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों था. सो हमने देखा था कि उससे 2 पॉइंट उन्हें मिलने वाले थे, जिसके कारण ही वो जीत पाते. So let's start the answer. The inter house matches were going on. Inter house matches चल रहे थे, स्कूल के अंदर की टीमों के matches चल रहे थे. The blues were going to ensure that they played well against the red house. Blue को ये पक्का करना था कि वो red team के खिलाफ बहुत ही अच्छा खेले और मैच जीते भी. The reds had been claiming that they had never lost to the blues. Red team जो है वो कभी भी blue team से हारी नहीं थी, ये claim भी वो लोग करते थे. विनिंग द मैच वॉज इम्पॉर्टेंट टू द ब्लूज, और ब्लू टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि वो उस मैच को जीते. दे नीडेड अ विन टू गेट द 2 पॉइंट्स. उन्हें जीतना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि इससे उन्हें 2 पॉइंट मिल जाने थे. इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू गेट इन टू द फाइनल्स, क्योंकि वो अगर 2 पॉइंट नहीं जीतते तो वो कभी भी फाइनल में नहीं जा पाते. वो गए भी नहीं थे, है ना, आप जानते हैं क्यों नहीं जा पाए वो. Our second question is, why were the blues angry on their defeat in the last match? जो blues थे, है ना, वो क्यों दुखी थे, क्यों गुस्सा थे, क्यों उनको बहुत ही नाराज़गी थी, खासकर आरिफ से, जब वो उस मैच को हार गए. तो the blues had played with the reds in the previous year's finals. जो पिछले साल फाइनल हुआ था वो रेड और ब्लू दोनों के बीच में हुआ था. They had been leading by a goal till half time. Half time तक तो जो blue team थी वो goal lead कर रही थी. Then the reds had turned violent. उसके बाद red team ने काफ़ी गंदा खेल, काफ़ी rude खेल, काफ़ी spirit of game के खिलाफ game दिखाया, rude खेले वो, है ना, बहुत ही बेकार खेल रहे थे वो. They subdued fire blues by their violent tactics. उन्होंने blue team को किस तरह से छकाने या हराने की कोशिश की, अपनी हिंसक जो टैक्टिक्स है उसको अपनाया उन्होंने, तरीकों को अपनाया और ब्लू टीम को पीछे पछाड़ा. दे स्ट्रक 2 गोल्स ड्यूरिंग द कन्फ्यूज़न एंड गॉट अवे. वो जीत गए, उन्होंने कन्फ्यूज़न पैदा किया अपनी टैक्टिक्स से और 2 गोल कर डाले. देयर फॉर द ब्लूज वर एंग्री ऑन देयर डिफीट इन द लास्ट मैच. इसीलिए जो ब्लूज थे वो पिछले मैच में मिली हार से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और दुखी भी थे. Our third question is, how did the red prevent blue from attacking? Red कैसे blue को attack करने से रोक रही थी, red team जो थी वो कैसे blue को रोक दे रही थी. The reds thought Arif as the star player of the blue. Red team भी जानती थी कि Arif जो था वो star player था blue team के लिए. They had decided to target him from the beginning. उन्होंने शुरू से ही ये सोच लिया था कि वो क्या करेंगे, टारगेट करेंगे. किसको टारगेट करेंगे? आरिफ को टारगेट करेंगे. वेन एवर आरिफ थॉट ऑफ गेटिंग टू द बॉल, जब भी वो आरिफ अपने पास बॉल को कब्जे में लेने की कोशिश करता, सम रेड हाउस प्लेयर वुड स्टॉप हिम बाय फोर्स. कोई रेड टीम का प्लेयर आता, उसे फोर्सफुली रोक देता. आरिफ वॉज पुश्ड ऑन टू द ग्राउंड एवरी टाइम, और उसे धक्का मुक्की की जाती, उसको ग्राउंड पर काफ़ी धक्का दिया जाता. दस द रेड प्रिवेंटेड ब्लूज फ्रॉम अटैकिंग. इस तरह से ब्लू रेड टीम ने जो है वो ब्लू टीम को अटैक करने से रोके रखा था. और क्वेश्चन नंबर 4th इज, हाउ डिड आरिफ चेंज द एटीट्यूड ऑफ द रेड्स इन द कमिंग मैचेस. है ना, ये द वन जो लिखा हुआ है वो बाय मिस्टेकन है. यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन कि हाउ डिड आरिफ चेंज द एटीट्यूड ऑफ द रेड्स. कैसे आरिफ ने रेड टीम का जो बर्ताव था उसको अपने जो आने वाले मैचेस थे रेड टीम के, उनमें कैसे आरिफ के एक चीज़ के कारण वो बर्ताव उनका बदल गया. क्या कारण था वो कि उनका जो तरीका था वो रेड टीम का बदल गया. आरिफ नोटिस्ड. आरिफ ने क्या नोटिस किया था?
आरिफ नोटिस्ड दैट द गोलकीपर ऑफ द रेड्स हैड बीन इंजर्ड सीरियसली। आरिफ ने नोटिस किया था कि जो गोलकीपर था रेड टीम का वो बहुत ही सीरियसली क्या हुआ था, इंजर्ड हुआ था। ही डिड नॉट पुश द बॉल थ्रू द वेकेंट एंड अ प्रोटेक्टेड गोल पोस्ट टू क्लेम हिज टीम्स विक्ट्री। उसने खाली पड़े हुए गोल पोस्ट पर गोल नहीं किया और अपनी जो टीम है उसको इस तरह से जीत दिलाने की नहीं सोची। ही रादर सिग्नल टू द रेफरी शोइंग हिम द इंजर्ड प्लेयर। उसने रेफरी को इंजर्ड प्लेयर दिखाया और अपनी टीम का गोल नहीं होने दिया। आरिफ स्पोर्ट्समैनशिप चेंज्ड होगा, वो चेंज द एटीट्यूड ऑफ द रेड्स। आरिफ की इस स्पोर्ट्समैनशिप ने चेंज कर दिया रेड का बर्ताव को ऑन द कमिंग मैचेस। आने वाले मैचेस में भी रेड टीम ने इससे सबक लिया और अपना बर्ताव बदला। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विक्ट्री? आपके हिसाब से, कहानी के हिसाब से जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? आंसर है, देर आर मैनी थिंग्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट देन विक्ट्री इन अ गेम। एक गेम के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। द फ्रेंडली नेचर एंड हेल्पफुल एटीट्यूड ऑफ द प्लेयर्स। फ्रेंड्स फ्रेंडली नेचर हो खिलाड़ियों का, हेल्पफुल हो, एक दूसरे को लेकर काफ़ी हेल्पफुल होना चाहिए, है ना। राइवल इज़ ए नॉबल क्वालिटी, है ना। ऐसे ना राइवल्स, ऐसे ना जो अगर सामने वाले प्रतिद्वंदी मिल भी जाए तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी राइवल्स के अंदर होती है। अ प्लेयर शुड बी स्पोर्ट्समैन। एक खिलाड़ी को स्पोर्ट्समैन होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, साथ में वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अ लॉयन डज नॉट स्ट्राइक अ वांडेड एनिमल। एक शेर भी घायल पड़े जानवर पे हमला नहीं करता है। इन द सेम मैनर अ ट्रू प्लेयर नेवर स्ट्राइक्स हिम, है ना, हिज इंजर्ड राइवल। तो जो आपका शत्रु अगर घायल पड़ा हुआ है तो उस पर वार नहीं करना चाहिए और प्लेयर को भी इस तरह से खेल नहीं खेलना चाहिए। फेयर प्ले इज़ द बेस्ट प्ले। अच्छा खेल हमेशा बेस्ट होता है। विक्ट्री बाय फाउल टैक्टिक्स इज सिनफुल। गलत तरीक़ों से जीत लेना हमेशा पाप है या फिर बहुत ही बेकार तरीका है ये। अब हमारे आते हैं आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। हमको अब जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स देना है। नंबर वन है, डिस्क्राइब हाउ आरिफ सक्सीडेड इन टेकिंग द बॉल टू द गोल पोस्ट ऑफ द रेड्स। कैसे आरिफ रेड के गोल पोस्ट तक ले गया था गेंद को, हालांकि वो गोल नहीं कर पाया लेकिन कैसे ले गया था वो, उस पूरी जो प्रोसेस है उसको बताना है हमें। द मैच स्टार्टेड, मैच शुरू हुआ। द रेड्स हैड द इम्प्रेशन दैट आरिफ वाज द स्टार प्लेयर ऑफ द ब्लूज। रेड को शुरू से पता था कि आरिफ ही उनकी जो ब्लू टीम है ना, उनकी ब्लू टीम का स्टार प्लेयर था। दे टारगेटेड हिम, उन्होंने उसे ही टारगेट किया एंड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग टू द बॉल, और वो उसके पास बाल तक जाने को, बॉल को जाने से रोक रहे थे। देन दे गॉट टू फ्री किक्स, फिर उनको दो फ्री किक मिल गई। आरिफ वॉज पुश्ड ऑन द बैकग्राउंड, है ना, आरिफ को पीछे धकेल दिया गया ग्राउंड में। ही नोटिस दैट अ प्लेयर ऑफ द रेड्स वॉज सीकिंग, है ना, अ क्लोज वॉच ऑन हिम। उसने नोटिस किया कि रेड के, है ना, एक दो प्लेयर और खासकर एक प्लेयर बहुत ही कड़ी नज़र रखे हुए था आरिफ के ऊपर। ही रैन फास्ट इनफ टुवर्ड्स द बॉल, वो बॉल की तरफ तेजी से दौड़ा। जस्ट देन हिज मार्कर वॉज काफ, है ना, कॉट ऑफ गार्ड। फिर जो उसको मार्कर था, यानी कि जो उसको मार्क कर रहा था, जो उस पर नज़र रखे हुए था, वो ऑफ गार्ड हो गया, उसने उस पर से ध्यान हटा दिया। बीइंग फ्री, थोड़ा सा फ्री होने के बाद आरिफ सक्सीडेड इन टेकिंग द बॉल ऑफ द गोल पोस्ट ऑन टू द रेड। और जैसे ही वो फ्री हुआ, जैसे ही उसको एक मौका मिला, आरिफ गोल पोस्ट तक बॉल को लेकर आखिरकार चला ही गया। आर सेकेंड क्वेश्चन इज, Why did Arif not hit the ball into the goal even though he was sure to score a goal? Arif ने स्कोर क्यों नहीं किया, आरिफ ने गोल क्यों नहीं किया जबकि उसको बहुत ही अच्छा चांस मिला था गोल करने का। आंसर है इसका, आरिफ जम्प्ड ओवर अ प्लेयर हु हैड फॉलन ओवर द ग्राउंड। आरिफ एक प्लेयर जो नीचे गिर गया था उसके ऊपर से जंप करते हुए निकला। ही रियलाइज दैट द गोल कीपर वॉज बैडली इंजर्ड। उस समय उसे पता चला कि गोल कीपर जो है बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है, घायल हुआ है। जस्ट देन, उसी समय आरिफ सा द वेकेंट एंड अनप्रोटेक्टेड गोल पोस्ट। उसी समय आरिफ ने देखा एक खाली और अनप्रोटेक्टेड गोल पोस्ट देखा उसने। ही कुड ईजिली पुश द बॉल थ्रू द गोल पोस्ट। वो चाहता तो वहाँ पर ईजिली गोल पोस्ट में गेंद डाल देता एंड क्लेम हिज टीम्स राइटफुल विक्ट्री, और एक अपनी टीम को एक जीत दिला देता। बट ही रियलाइज दैट द रेफरी हैड नॉट नोटिस द फॉलन गोल कीपर। लेकिन उसने देखा कि रेफरी का ध्यान
जो गोलकीपर गिर पड़ा था उसके ऊपर नहीं गया, ही वॉज़ अ ट्रू स्पोर्ट्समैन। जो आरिफ था वो बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन था। हिज कंसाइंस डिड नॉट अलाउ हिम टू हिट द बॉल, उसकी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी कि वो बॉल को पोस्ट में डाले। इन टू द गोल इवन दो ही वॉज श्योर टू स्कोर गोल, वो गोल तो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। ही न्यू इट वेल दैट देर वार समथिंग इन द गेम विच वर मोर देन मेरिली विनिंग इट, वो जानता था कि गेम को जीतने से ज़्यादा भी कुछ ज़रूरी होता है, दैट इज़ स्पोर्ट्समैनशिप। और थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड प्लेयर डू यू नोटिस इन आरिफ, एक अच्छे प्लेयर के नाते आरिफ में आप कौन कौन सी खासियत देखते हो। तो आंसर होगा आरिफ हैड अ बंडल ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड प्लेयर, आरिफ के अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ थी एक गुड प्लेयर की। ही लॉन्ग टू बी फिट फॉर द नेक्स्ट डेज मैच, वो तरस रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि वो अगले मैच के लिए फिट हो जाए। ही इंश्योर्ड हिमसेल्फ टू प्ले वेल एंड डिफीट द रेड्स, उसने पक्का किया कि वो रेड को हराएगा, है ना। ही एस्पायर्ड टू गेट इन टू द फाइनल्स, वो फाइनल्स में जाने को आतुर था, बेताब था। ही इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड गॉट रिड ऑफ हिम, उसने सामने आए टीम के सामने एक सरप्राइज एलिमेंट रखा और उनसे निकलते वो गोल पोस्ट तक पहुँच भी गया। ही मेड हिम कॉट ऑफ गार्ड, उसने अपने मार्कर को जो है ऑफ गार्ड कर दिया, है ना। ही गेंड अ साउंड पोजिशन, उसने एक अच्छी पोजिशन भी ले ली। ही जम्प्ड ओवर द गोल कीपर हु वॉज बैडली इंजर्ड, वो बैडली इंजर्ड गोल कीपर के ऊपर से बहुत ही तेज़ी से उछक भी गया। ही डिड नॉट शूट वेन द गोल पोस्ट वॉज वैकेंट, उसने जब गोल पोस्ट खाली पड़ा हुआ था, अनप्रोटेक्टेड था, तब शूट नहीं किया। इस तरह से ये पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी और एक सच्चा स्पोर्ट्समैन था। So this was the question answer of this chapter. So thank you for watching.